ऑल राइट, तो हम आ चुके हैं 9th मंथ में, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था, और अब आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली कपड़े खरीद रही है, झबले खरीद रही है, क्योंकि पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि हमारी कंट्री में तो बताया नहीं जाता कि भाई ये लड़का है कि लड़की है। बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे मेरा सेकेंड बच्चा जो है वो UK में हुआ था, तो मेरे को पता था वो लड़की है, हमको पहले से बता दिया गया था, वहाँ बता देते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत 10% एरर रहता है सोनोग्राफी में, जब भी वो बताते हैं तो वो आपको बताते हैं कि भाई 10% गड़बड़ भी हो सकता है। तो हमने पहले से लड़की की तैयारी करके पिंक पिंक कपड़े खरीद लिए थे, बट आपके घर वालों ने सबने बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया है, कपड़े खरीद लिए हैं, अब आपको लगता है बस जल्दी से बच्चे को बाहर निकाल दो, और आपकी सारी मेटर्नल इंस्टिंक्ट्स शुरू हो जाती हैं। आपका मन करता है कि बच्चा आपकी गोद में आए, आप वीडियोज़ देखती हैं, आप पोस्टर्स में बच्चे को देखती हैं, तो आपके ब्रेस्ट के अंदर टिंगलिंग चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको लैक्टेशन की इंस्टिंक्ट डेवलप होती हैं। इसको बोलते हैं कि एक मैटर्नल इंस्टिंक्ट, आपको मन करता है कि बच्चा आपकी गोदी में, आप उसको दूध पिलाएं, तो ये सारे इंस्टिंक्ट अब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ ही रही हैं, बैकएक बढ़ ही रहा है, इनडाइजेशन बढ़ ही रहा है, थकान हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है, आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत बड़े बड़े हो गए, इतने मोटे मोटे स्ट्रेच मार्क्स हो गए, आप डॉक्टर को पूछती हैं मैडम इतने काले काले बड़े बड़े धब्बे हो गए, इनका क्या होगा? तो हम हर पेशेंट को बोलते हैं जो भी आपका जो कलर चेंज हुआ है स्किन का, वो 2-3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। जो डार्क लेडीज़ हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स एकदम ब्लैक होते हैं, जो फेयर लेडीज़ हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स एकदम ब्राउनिश या पिंकिश होते हैं, ये सब धीरे धीरे ठीक होकर आपका नॉर्मल कलर आ जाता है। स्ट्रेच मार्क्स ठीक नहीं होते, ये वाइटिश या ग्रेश रह जाते हैं, ठीक है, बट कलर चेंज हो जाता है, इतने डार्क नहीं रहते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप गुजर रही हैं। आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस मैंने 8वें महीने में बताए थे वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, अब आपको हल्का सा पेन भी शुरू होगा, वही जो कॉन्ट्रैक्शंस आपको पहले आ रहे थे वो हल्के से पेनफुल हो जाएंगे। आपको डॉक्टर बताएंगे आपको कब हॉस्पिटल आना है। नॉर्मली 37 वीक्स यानी कि 9वां महीना ख़त्म होते होते आपका फुल टर्म हो जाता है। ये मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम लोग गिनते हैं प्रेगनेंसी वो टोटल 40 वीक्स की होती है, यानी कि 40 हफ्ते। अगर आप 1 महीने में 4 हफ्ते लेके चलेंगे तो 10 महीने हो गए, लेकिन 10 महीने की प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते नहीं, करीब करीब 4.5 हफ्ते होते हैं। तो अगर 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है, यानी कि 9.5 महीने में बच्चे को डिलीवर हो जाना चाहिए। बहुत से बच्चे 40 वीक्स पे डिलीवर नहीं करते हैं, कुछ बच्चे 39 वीक्स पे, कुछ बच्चे 41 या 42 वीक्स तक भी जाते हैं। तो ये एक रेशियो है जो हम ऑब्स्टेट्रिशियंस को पता होता है कि करीब 80% बच्चे, 10 में से 8 बच्चे या तो 1.5 से 1 हफ्ते पहले या 1.5 से 1 हफ्ते बाद डिलीवर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको टेक्निकली बता दिया जाता है कि 37 हफ्ते यानी कि 37 वीक्स पे बच्चे को बिल्कुल खतरा खत्म हो गया है। अगर आप प्लान करके सिजेरियन भी कराना चाह रही हैं तो 38 वीक्स के अराउंड डॉक्टर आपको बोलेंगे आने को। क्यों? 37 पे बच्चा पूरा कंप्लीटली डेवलप हो गया, प्री टर्म नहीं रहा, टर्म हो गया। 38 वीक्स पे कहते हैं उसका ग्रोथ भी फुल हो जाता है। उसके बाद 38 वीक्स के बाद आंवल धीरे धीरे सिकुड़नी शुरू होती है, पानी थोड़ा कम होना शुरू होता है, बच्चे की ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अगर प्लान करके डिलीवरी करानी है तो 38 वीक्स इज अ गुड टाइम, अदरवाइज 40-41 वीक्स तक वेट किया जा सकता है। अब इस समय आपका बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, इस बच्चे का वेट 3 किलो के आसपास पहुंच गया है। अगर आप एक एवरेज वेट लेडी हैं, आपके जीन्स, आपके हस्बैंड के जीन्स पे बहुत डिपेंड करेगा कि बच्चे का वेट क्या होगा। बच्चे का वेट नॉर्मली हमारी कंट्री में 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का बच्चा नॉर्मल वेट में माना जाता है, 2.5 से कम है तो वो लो बर्थ वेट होता है। बाहर की कंट्रीज़ में 3-3.5 किलो से ऊपर का बच्चा नॉर्मल वेट होता है, क्योंकि उनके लिए 3 किलो से नीचे का बच्चा लो बर्थ वेट होता है। तो हमारी कंट्री की बात करें तो 2.5 से 3 किलो का बच्चा आपका ऑलरेडी 8वें महीने में हो चुका है, अगर आप एवरेज वेट की लेडी हैं, और अभी बच्चा जब 9th मंथ में डिलीवरी होने वाली है तो 3.75-3.5 किलो तक का होता है। 3.5 के ऊपर बच्चे को लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बोलते हैं, यानी कि बड़ा बच्चा है, बिग बेबी है इंडियन लेडी के लिए। इस बच्चे की लेंथ करीब 20 इंच हो चुकी है, यानी कि करीब करीब 2 फिट से थोड़ा सा कम ये बच्चा है। ऑफकोर्स डिपेंड करेगा जीन्स पे, डिपेंड करेगा बच्चे टू बच्चे पे, आप ही के घर में 2-3 बच्चे हुए हैं, आप ही के पेट से निकले हैं, उनकी लेंथ हमेशा बराबर नहीं होती, उनका वेट हमेशा बराबर नहीं होता। अब आते हैं आपको क्या करना है। पहली बात तो 36 वीक्स पे आपका बच्चा फिक्स हो जाता है, 36 मैक्सिमम 37 वीक्स। तो अगर बच्चा शुरू में उल्टा था या आढ़ा था तो 36 या 37 हफ्ते पे डॉक्टर आपको बुला के सोनोग्राफी करेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे भाई अगर ये बच्चा नहीं घूम रहा है अभी तक, या फिर ये अभी तक उल्टा है या आढ़ा है, आप इसको सिजेरियन से करवाइए और वेट मत करिए, क्योंकि 36-37 हफ्ते पे बच्चा इतना बड़ा बन जाता है कि उसके पास अंदर घूमने की जगह नहीं होती। तो जिस पोजीशन में फिक्स हो गया, अगर आढ़ा है तो आढ़ा ही रहेगा, अगर अभी भी घूम ही रहा है 37 हफ्ते पे भी, वो कभी सीधा हो रहा है कभी उल्टा हो रहा है, इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा उसके पास जगह है, और ऐसे बच्चे को रिस्क रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमेगा तो आवल जो है उसके उसके गले में, उसकी शरीर पर लिपटती जाएगी, और ऐसे बच्चे को कई बार खतरा हो जाता है, अंदर पेट के अंदर डेथ भी हो जाती है।
ठीक है। तो अगर 36 और 37 हफ्ते तक बच्चा फिक्स नहीं हुआ है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको सिजेरियन का बोलेंगे, और अगर बच्चा सीधा नहीं है तो आपको जल्दी ही एडमिट करके सिजेरियन करेंगे। ये तो हो गई बच्चे की पोजीशन। फिर आते हैं बच्चे का चारों तरफ पानी कितना है, आवल की पोजीशन क्या है। ये मैंने आपको बताया था, अगर सातवें महीने में आवल नीचे है तो वापस नवें महीने में चेक करते हैं 36-37 वीक्स पे कि आवल ऊपर गई कि नहीं, बच्चे का सिर नीचे आ रहा है कि नहीं, क्या बच्चे के सिर ने आवल को क्रॉस कर लिया। अगर आवल को क्रॉस करके बच्चे का सिर नीचे आ गया है तो फिर चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आवल बिल्कुल उस जगह पे आ गई है जहाँ से बच्चे को निकलना है, रास्ता ब्लॉक्ड है, तो फिर बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। अब आते हैं आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। आप इतनी तरह तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखने हैं, आपको किताबें पढ़नी है, आपको नॉलेज लेनी है कि बच्चे को कैसे संभालना है, आपको फीडिंग वाले वीडियोस देखने हैं, आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छी बातें सोचनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, स्पाइसी फूड बहुत कम खाना है क्योंकि आपको रीगर्जिटेशन देगा, आपको बहुत दिक्कत होगी। और जो माएँ बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों को भर भर के खिलाती हैं कि बेटी तेरी डिलीवरी होने वाली है, उनके लिए सलाह है कि ज़्यादा भारी खाना ना दे, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा गैस बनेगा, इतना कॉन्स्टिपेशन होगा, समझ में नहीं आएगा कि पेन डिलीवरी का है या कुछ और है। आपके पेन्स बढ़ रहे हैं, आपको डेफिनेटली रेस्ट भी करना है, आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, योगा करना है, आपको वॉक भी करना है, और आपको कोशिश करना है कि आप बाईं करवट सोएं, बाईं नहीं तो दाईं करवट सोएं, करवटें बदलते रहें, कोशिश करें कि सीधे कम सोएं, करवटों में ज़्यादा सोएं, और उल्टे तो बिल्कुल भी ना सोएं। अब आते हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मैंने आपको शुरू में भी एक वीडियो में बताया था कि सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, 9th मंथ तक आप आराम से कर सकते हैं, इवन डिलीवरी से पहले तक आप कर सकते हैं, अगर आपको पेट में दर्द नहीं है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, और आप और आपके पार्टनर अगर इजिली खुश हैं बेडरूम लाइफ में, तो आप कर सकते हैं। 9th मंथ तक आते आते या 9th मंथ के खत्म होते होते आपकी चाल एक डक की तरह हो जाती है, इसको हम बोलते हैं वॉडलिंग गेट, यानी कि आप पेंगुइन की तरह या डक की तरह चलती हैं, क्योंकि आपके कई बार हिप पेन शुरू हो जाता है, आपका पेट बड़ा हो जाता है, आपकी स्पाइन पूरी ऐसे घूम जाती है, तो आप कई बार वॉडलिंग गेट यानी कि फनी एक डक की तरह चलती हैं, बट वो नॉर्मल है, बहुत सी लेडीज में होता है। अब 36 वीक्स के बाद यानी कि 36 हफ्ते होते ही जो बच्चा यहाँ तक था वो सडनली थोड़ा नीचे चला जाता है, क्योंकि अब बच्चा आपका सेटल हो रहा है बोन के अंदर, इसको बोलते हैं लाइटनिंग, हमारी लैंग्वेज में इसको लाइटनिंग बोलते हैं, यानी कि सडनली आपका जो डिस्कम्फर्ट था सांस लेने का वो एकदम से कम हो गया, क्योंकि डायफ्राम जो ऊपर पुश हो गया था, जो आपकी झिल्ली है वो ऊपर पुश हो गई थी और वो नीचे आ गई क्योंकि बच्चे ने जगह छोड़ दी। तो इसको कई लोग माएँ जो आती हैं हमारे पास बोलती, मेरी दादी ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि आपका लाइटनिंग हो गया, यानी कि आपके बच्चे ने जगह छोड़ दी, यानी कि बच्चा नीचे आ चुका है, हड्डी में उसका प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि सिर जा चुका है, तो डिलीवरी अब जल्दी होने वाली। ठीक है, तो ये बहुत सी पुरानी जो हमारी दादियां नानियां हैं उनको ये पता है कि इसको बोला जाता है लाइटनिंग, यानी कि बच्चे ने जगह छोड़ दी है और बच्चा अभी हड्डी के अंदर जा चुका है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे पहली बात तो आपको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था सांस लेने में वो कम हो जाएगा, आपकी सांस फूलनी कम हो जाएगी, आपका पेट थोड़ा कम दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा बल्ज हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अब आपको नीचे प्रेशर शुरू होगा क्योंकि आपको रेक्टम पे यानी कि पॉटी वाले एरिया पे प्रेशर शुरू होगा, आपको बार बार पॉटी आएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, आप दिन में 4-5 बार स्टूल्स पास करेंगी, आपको बार बार यूरिन लगेगा क्योंकि बच्चे का सिर अब वहाँ प्रेशर दे रहा है। डिलीवरी से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेबर रूम जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है? वेल, जब आपको पेन हर 2-2-5-5 मिनट में आए, जब आपको पेन इतना ज़्यादा आए कि आपको लगे अब मैं घर पे नहीं बैठ पाऊंगी, तो आप रात का इंतज़ार न करें, आप दिन के टाइम सही टाइम पे डे लाइट पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि दिन रात में कई बार आप जाते हैं स्टाफ कम होता है कई बार हॉस्पिटल्स में, या फिर स्टाफ कहीं बिजी है तो आपको वो प्रॉपर केयर शायद ना मिल पाए, वो बात अलग है कि आपको पेन ही रात में शुरू हुआ तो बात अलग है, बट उन लोगों को बता रही हूँ जो सुबह से लेकर रात तक वेट करते हैं कि रात होगी तब जाएंगे, अभी पेन और बढ़ने दो। तो जब आपको पेन लगे कि पेनफुल हो रहा है, आपको हल्का सा ब्लडिश डिस्चार्ज आ रहा है यानी कि आपकी जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है, या फिर सडनली खूब सारा पानी निकल गया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीचे प्रेशर आ रहा है यानी कि पॉटी वाला प्रेशर आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से चेकअप कराना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए 9th मंथ के कि आपको कब हॉस्पिटल जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स 9th मंथ में होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा कि डिलीवरी पेन्स जब शुरू हो रहे हैं और आपको पता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आपकी चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी बास्केट में आपको क्या क्या लेके जाना है। तो कैसी रही ये सीरीज़, आपको कितना अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं हर 2 वीडियो के बाद लाइव जा रही हूँ, इस वीडियो के बाद भी लाइव जाऊँगी, जस्ट टू चेक कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं और आपको कैसा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी। और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए 9358545556 पर SMS या WhatsApp करें कि मुझे कंसल्ट करना है डॉक्टर सोनल से, कॉल ना करें।